जय हिंद दोस्तों, मैं लोकेश चौधरी वंस अगेन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल लोकेश सर लॉजिक कौटिल्य में। उम्मीद करता हूं सब आप अच्छे ही होंगे, सब सेफ़ होंगे और बेटा घर पर ही रहने की ज़रूरत है, सेफ़ रहने की ज़रूरत है। मेरे दोस्तों, आप इस बात को पूरी तरह से जानते हो, मैंने पिछली वीडियो में आपको ठेकेदारी से संबंधित प्रश्न कराए, लेकिन जिस उम्मीद के साथ मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे, पढ़ने वाले बच्चों की संख्या इतनी कम हो गई है कि मुझे पता ही नहीं चल पा रहा है कि बच्चे आखिर क्यों नहीं पढ़ रहे हैं इतना। भाई देखो, अगर नहीं पढ़ोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा मैं आप लोगों से कुछ नहीं कहूँगा, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा ही होगा कि आज के जो क्वेश्चंस हैं हमारे वो अल्टरनेट बेस्ड हैं, बारी बारी पर आधारित प्रश्न हैं। तो आज की जो हमें वीडियो है उसको थोड़ा सा समझना होगा आज के इस क्लास लेक्चर में। बहुत ज़्यादा नहीं, मैं आपको 8, 9, 10 क्वेश्चंस कराऊंगा और कुछ ऐसे भी मेथड मैं आप लोगों के लिए आज लूँगा जिनमें आप देखेंगे कि मज़ा आ गया। और देखिए, जैसा कि आप जानते हो, आज नहीं, आज के बहुत दिन बाद जब इस वीडियो को आप देखेंगे तो मैं डेफिनेटली आपसे ये बात कह सकता हूँ कि आपको इस बात का पूरी तरीके से गर्व होगा कि मैंने चीज़ों को कितने सीक्वेंस से पढ़ाया था आपको। मेरी हर एक पिछली वीडियो का एक कंसेप्ट अगली वीडियो में ज़रूर होता है, क्योंकि मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करता कि उन चीज़ों को छोड़ दिया जाए, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का आप अपनी कॉपी पर टाइप लगा लीजिए, बारी बारी पर आधारित प्रश्न हिंदी में, और अंग्रेजी में कहते हैं बेस्ड ऑन अल्टरनेट, ठीक है ना। तो आज के पहले सवाल के साथ मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ। चीज़ों को समझना होगा कि बारी बारी से क्या है, बात समझ रहे हैं ना। बारी बारी का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपको कोई भी टास्क है, लेट कर लो यहाँ कोई ए है जो एक दिन में 3 वर्क पर डे करता है, ठीक है ना, और अगला काम बी है जो 5 वर्क पर डे करता है। तो बारी बारी का मतलब है कि पहले दिन में जो काम होंगे वो 3 होंगे और सेकंड डे जो काम होंगे वो 5 होंगे। इस प्रकार 8 काम होने में 2 दिन लगेंगे जब सिर्फ वर्कर 2 होंगे, ठीक है ना। ज़्यादा बेहतर आप लोगों को क्वेश्चन में समझ में आएगा क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। तो आज की पहली क्वेश्चन के साथ हम मिलते हैं, देखते हैं पहला सवाल क्या है। देखते हैं बेटा, ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको देखना है कि सवाल क्या है। देखिए, क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन के साथ ही आपको चीज़ों को देखना होगा। मैं पहले हिंदी में जो क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है वैसे ही क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, उसके बाद आप इसे इंग्लिश में एक बार मैं ट्रांसलेट करूँगा, तो जो बच्चे इंग्लिश वाले वो भी ठीक से ध्यान देना। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन व 15 दिन में कर सकते हैं। यानी कि अगर इंडिविजुअल ए से कराएं तो ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज एंड बी ऑल्सो कैन द सेम वर्क इन 15 डेज। अब यहाँ से कह रहा है लेकिन दोनों बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं। इस पॉइंट को बेटा यहाँ से आपको समझना होगा कि देखिए, जो बोला गया है एक एक दिन कार्य करते हैं और वो भी कैसे करते हैं, बारी बारी से। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से पहले दिन कोई एक व्यक्ति काम करेगा, दूसरे दिन कोई एक व्यक्ति काम करेगा। इसी को हम कहते हैं कि एक दिन एक काम करता है, दूसरे दिन कोई दूसरा काम करता है। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ से कह रहा है यदि कार्य की शुरुआत ए करे। देखिए, एक बात समझ लेना, मैं पहले ही सवाल में इतनी जान डालना चाहता हूँ कि आप ना कामों को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएँ। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि कार्य की शुरुआत कौन करता है, क्योंकि ये चेन बहुत दिक्कत करती है। कार्य की शुरुआत कौन करता है? तो कार्य की शुरुआत आपसे बोली गई है कि कौन करता है, ए करता है। कौन करता है बेटा? ए। तो आप जैसा काम करते थे उतना ही करते चलेंगे कि ए इस काम को 10 दिन में करता है जबकि बी इसी काम को 15 दिन में करता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको पता है कि जब दिन गिवन होते हैं तो इन दिनों का हम यहाँ से क्या लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम क्यों लेते हैं? टोटल वर्क निकालने के लिए। तो 10 और 15 का जो एलसीएम आएगा बेटा वो कितना आएगा, 30। तो माना ये जाता है कि वो टोटल काम हमारा 30 है। जब हम 10 का डिवाइड करते हैं 30 में तो 3 टाइम्स आता है, और 15 का करते हैं तो 2 टाइम्स आता है। ये यहाँ से इनकी क्या निकल के आती है बेटा, एफिशिएंसी निकल के आती है। अब क्वेश्चन में ये समझना होगा, जब इनकी एफिशिएंसी निकल कर आती है तो अब हमसे क्वेश्चन की नींव क्या है, अब यहाँ से क्या करना है। आपसे बोला गया है क्वेश्चन में कि ए स्टार्टेड द वर्क ऑन फर्स्ट डे एंड सेकंड डे कौन काम करेगा, बी। इसके बाद बेटा फिर हम यहाँ से आएंगे तो फिर हमारे लिए ए काम करेगा और फिर काम कौन करेगा, बी। फिर एक और साइकिल बनेगी यहाँ से, फिर ए काम करेगा और फिर यहाँ से काम कौन करेगा, बी।
तो आप एक चीज़ देख रहे हैं कि काम कैसे होगा, ए बी ए बी ए बी, काम इसी फॉर्मेशन में होगा, ए हो रहा है फिर बी हो रहा है फिर ए हो रहा है फिर बी हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस क्वेश्चन में एक चैन बनाने की कोशिश करूं तो इसको ना हम एक साइकिल कहते हैं। साइकिल का मतलब है एक इस तरीके की चैन जो बिल्कुल एक सीरीज तय कर दे। अब साइकिल क्या बन रही है बेटा कि अगर हम यहाँ से देखें कि अगर ए काम करेगा तो कितने काम करेगा, 3, और बी काम करेगा तो कितने काम करेगा, 2। यहाँ तक बात समझ रहे हैं। फिर अगेन जब हम चले जाएंगे यहाँ से तो वंस अगेन आप देखेंगे 3 काम होंगे फिर 2 होंगे फिर 3 काम होंगे फिर 2 होंगे, इसी चेन में काम चलता रहेगा और ये काम होते ही रहेंगे। बात समझ रहे हैं ना। देखिए बारी बारी से रिलेटेड जब मैं आपको पाइप और टंकी में क्वेश्चन कराऊंगा तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज बन जाएगी, क्योंकि वहाँ एक पावर नेगेटिव आती है और वो क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चे गलत कर देते हैं। इसके बाद बेटा मैं ये देखूं कि ये जो मेरी कहानी है ये किसको इंडिकेटर कर रही है, वर्क को। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर टाइम को इंडिकेट कर रहा हूं, मैं बिल्कुल खोल कर बताना चाहता हूं पहला सवाल, तो यहां आप देखेंगे ये पहला दिन है, ये दूसरा दिन है, ये थर्ड डे है तो ये फोर्थ डे है, ये फिफ्थ डे है तो ये कौन सा, 6th डे, और सो ऑन, काम ऐसे ही होता रहेगा। तो आप यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे बेटा कि ए ने एक तो पहले दिन काम किया, फिर तीसरे दिन किया, फिर कौन से दिन किया, 5वें दिन। यानी कि जो काम की शुरुआत करेगा वो ऑड डेज नंबर पर काम करता आएगा, यानी वो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, सो ऑन। बात समझ में आ रही है। यानी कि पहले दिन ए काम कर रहा है, दूसरे दिन बी कर रहा है, तो तीसरे दिन फिर ए आ गया। यानी यही चेन हमारी चलती रहती है, क्वेश्चन में चलती रहती है। यानी कि ए पहले दिन 3 दिन काम करता है, फिर तीसरे दिन 3 काम करता है, फिर 5वें दिन 3 काम करता है। इस सीरीज़ को जब आप समझ जाएँ तो यहाँ के आगे के स्टेप में आपको क्या समझना है, मैं ये वर्ड हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है ना। अब आपको यहाँ के बाद इस कहानी को क्या समझना है, देखिए ये वर्क है। फिर बेटा मैं अब यहाँ के बाद आपसे एक कंसेप्ट यहाँ स्टार्ट करूँगा कि इस जगह पर तो आपको लिखना है वर्क और इस जगह पर लिखना है टाइम। अब मैं देखूं कि अगर एक साइकिल को जोड़ूं, यानी एक साइकिल सिटी में देखूं तो 3 और 2 यहाँ कितने काम होते हैं, 5 काम। लेकिन इस केस में यहाँ दिन कितने लग जाते हैं, 2 डेज। 2 डेज क्यों लग रहे हैं, क्योंकि पहला दिन ये काम कर रहा है तो सेकंड डे ये काम कर रहा है। तो मैंने पाया कि एक 5 वर्क की जो साइकिल बनी वो 2 दिन में तैयार हुई। कितने दिन में तैयार हुई, देखो अगले भी 5 काम होंगे लेकिन यहाँ भी तो 2 ही दिन लग रहे हैं, फिर अगले 5 काम होंगे फिर 2 दिन लग रहे हैं। यानी कि मैं 2-2 दिन काम कराऊंगा तो 5-5 काम होंगे। अब अगला काम क्या होता है कि इस वर्क का अपने टोटल वर्क में डिवाइड करते हैं जितनी टाइम प्रॉपर चला जाता है। तो बेटा इस 5 का डिवाइड जब मैं 30 में करूँगा तो कितने टाइम जाएगा, बोलो 6 टाइम। तो आपका काम क्या है कि इस यूनिट में भी 6 का मल्टीप्लाई करना है तो इस यूनिट में भी 6 का मल्टीप्लाई करना है। बेसिकली ये रेशियो आता है हमारा। अब देखेंगे बेटा मैं 6 पंजे कितने हो गए, 30, और 6 दूनी कितने हो गए यहाँ से, 12। आपको कितने काम करवाने थे, 30। तो कितने दिन में ये काम पूरा हुआ, 12 दिन में। तो अब आपसे पूछा गया था तो कार्य समाप्त होने में लगे दिन होंगे, तो कार्य समाप्त होने में लगे दिन कितने हो गए, 12। बात फाइनल है। पहले स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का, यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा, मैं एक बार क्वेश्चन और समझाऊंगा आपको, यहाँ तक देख लिया है, ठीक है। देखो मैं बार बार एक ही चीज़ कहना चाह रहा हूँ यहाँ से, पूरे क्वेश्चन को इस तरीके से समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल माई डियर, वी हैव टू क्रिएट अवर टोटल वर्क, हमें काम बनाना होगा। तो 10 डेज और 15 डेज का हमें क्या लेना है, LCM। LCM कितना आया, 30। A की एफिशिएंसी 3 आ गई तो B की एफिशिएंसी 2 आ गई। जब काम बारी बारी से होता है तो हम एक साइकिल सिटी तैयार करते हैं, ऐसी एक साइकिल बनाते हैं कि कम से कम कितने दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा कितना काम होगा। तो मेरी साइकिल सिटी बनी कि पहले A काम करता है फिर B करता है, फिर A करता है फिर B करता है, फिर A करता है फिर B करता है। तो एक चैन सिस्टम बन गया, AB, AB, AB और AB। इससे क्या मिला कि ए वर्क्स 3 एंड बी वर्क्स 2। नाउ 3 और 2 वर्क कितना हो गया, वर्क हुआ 5। देन वी हैव टुक टाइम 2 डेज, हमने 2 दिन ले लिए। तो मैं कहता हूँ कि जब 5 काम 2 दिन में होते हैं
तो 30 काम कितने दिन में होंगे? तो पांच पांच के काम 30 करने में कितनी साइकिल बनेंगी? 6 बार, 6 टाइम। तो 6 × 5 = 30 हो गया, और 6 × 2 × 12 days हो गया। इट मीन वर्क इज कंप्लीटेड इन 12 days। बात फाइनल है? बिल्कुल बेसिक से उठा रहा हूँ। प्रत्येक क्वेश्चन के बाद धीरे 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 मैं क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ाऊंगा, और एक दो में ऐसे भी क्वेश्चन कराऊंगा कि आज के इस एपिसोड में मैं दावा करता हूँ कि जो लोग हमारे कोचिंग में नहीं पढ़े, शायद उन्होंने वो क्वेश्चन पहले नहीं पढ़ा होगा, और एक पढ़ा होगा तो दूसरा नहीं पढ़ा होगा। तो मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी दूंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की नींव में बहुत अच्छा काम करेंगे, ठीक है ना? देखते हैं बेटा इसके बाद दूसरा क्वेश्चन। आइए, आज की क्लास में कुछ विद्यार्थी बहुत नाराज हो रहे हैं। हंसना देखिए लाजिम है। हमारी क्लास में कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं, कुछ पापा हैं, कुछ मम्मी हैं, कुछ बुआ हैं, कुछ चाचा हैं, कुछ ताऊ हैं, ऐसे भी बच्चे आजकल बुढ़ापे में पढ़ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे जरा यहाँ से बोर्ड पर क्या सवाल है। क्वेश्चन बेटा बिल्कुल डिक्टो लिया है मैंने, कोई चेंज नहीं किया, एक छोटा सा मैंने पॉइंट चेंज किया है बस इसमें, वो आपको यहाँ से साफ दिखाई देगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 16 दिन व 24 दिन में कर सकते हैं, यानी ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज एंड बी आल्सो कैन द सेम वर्क इन 24 डेज। यहाँ से कह रहा है लेकिन दोनों बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, इट मीन दे वर्क्स अल्टरनेट 1/1 day। यदि कार्य की शुरुआत बी करे, मैंने बेटा आपको लास्ट क्वेश्चन में भी एक इंपॉर्टेंट दिया था कि यदि कार्य की शुरुआत कौन करे, यहां कर रहा है बी। मेरे पिछले क्वेश्चन में काम की शुरुआत कौन कर रहा था? ए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हु इज स्टार्टिंग द वर्क, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द क्वेश्चन, ये समझना होगा। अब यहाँ से कह रहा है तो कार्य समाप्त होने में लगे दिन होंगे, तो काम कितने दिन में होगा? मेरे बच्चे मैंने अभी अभी आप लोगों को एक ही बात बताई है कि सबसे पहले टेक्निकल टीम बताए चेहरा दिखाई दे रहा है कि नहीं। कई बार बच्चे कहते हैं सर आप इतने स्मार्ट हो लेकिन कम दिखाई देते हो, तो बेटा मैं आज पूरा पूरा दिखाई दे रहा हूँ। ए काम कितने दिन में कर रहा है यहाँ से? 16 डेज में, और बी बेटा उसी काम को कर रहा है 24 डेज में। ऐसे केस में आपको सबसे पहले क्या लेना होगा? एलसीएम। मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी मुस्कुराने का नाम है, पता नहीं किस शाम को आपकी शाम हो जाए। तो 16 और 24 बेटा दोनों का जब हम एलसीएम ले लेंगे तो मेरे बच्चे यहाँ से एलसीएम कितना आएगा? 48। नींद में भी जगा हुए ना तो एलसीएम सही है, ये चैप्टर इतना धांसु बना दिया है। 16 दिन और 24 दिन हमारा यहाँ से वर्क आ गया, तो 16 की 48 और 24 दिन 48, यानी एफिशिएंसी वही 302 आ गई निकल के, बात क्लियर है। इसके बाद बेटा आपको यहां से क्या तय करना होगा, एक साइकिल सिटी बनानी होगी। कि साइकिल सिटी कैसे बनानी होगी माय डियर, कि आपको बेटा देख रहे हैं कि काम शुरुआत बी कर रहा है और फिर अगले दिन कौन कर रहा है? ए। फिर यहां से आपको बताया अगेन बी करेगा, फिर कौन करेगा? यहां से ए। इसी केस में जब मैं चलता चला जाऊंगा फिर बेटा काम बी करेगा और फिर कौन करेगा? ए। बिल्कुल बात समझ में आ रही है। ऐसा करने के बाद मैंने देखा कि इस केस में यहाँ से टाइम को अगर देखूँ तो ये फर्स्ट डे है, ये सेकंड डे है, ये बेटा फर्स्ट डे है, ये सेकंड डे है, ये थर्ड डे और ये कौन सा डे है हमारा? फोर्थ। ये अगेन फिफ्थ है और ये कौन सा? सिक्स। सो ऑन, ऐसे ही काम होगा। लेकिन अब आपको करना क्या है जरा मुझे बताएंगे। यहाँ से आप देखेंगे कि जब बी काम करेगा तो 2 होंगे और ए करेगा तो 3 होंगे, फिर बी करेगा 2 काम होंगे, फिर यहाँ 3 होंगे, फिर 2 होंगे, फिर 3 होंगे। देखिए मैं पहले कुछ क्वेश्चंस में सिटीज तैयार कर रहा हूँ। अब मेरे बच्चे मुझे यहाँ से आपको क्या काम करना है कि इस जगह पर तो आपको क्या लिखना है? वर्क। और इस जगह हमारा क्या लिखना है? टाइम। तो विद्यार्थी ज़रा बताएंगे वर्क की साइकिल सिटी कितनी तैयार हो रही है यहाँ से? 5। और टाइम की साइकिल सिटी क्या तैयार हो रही है? 2 डेज। फिर मैंने कहा कि जब बेटा 5 काम 2 दिन में होते हैं तो 48 काम कितने दिन में होंगे? तो आपका केस ये कहता है कि सर इस 48 में इस 5 का कम्प्लीटली डिवाइड करो, इट मीन होल टाइम जाए, कोई कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन ना बने। यानी 5 का जब मैं भाग देना स्टार्ट करूँगा तो 5 × 45, 5 × 9 = 45 होंगे। लेकिन अगर मैं 10 टाइम भाग दे दूँ तो 50, और हम पे काम का टारगेट बेटा कितना है? 48। तो इस केस में हम अभी सिर्फ 9 टाइम भाग देंगे। जब 9 टाइम भाग दे देंगे तो आपको बताए यहाँ से 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 45। और यहाँ 9 का डिवाइड कर देंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 80।
अब मुझे एक बात और समझनी होगी कि हाउ मैनी डेज वर्क इज कम्प्लीटेड। बेटा वर्क कंप्लीट नहीं हुआ, काम हो चुका है 18 दिन। बात समझना यहाँ से, यहाँ इस चीज़ में मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ जो आप लोग अक्सर भूल जाते हो। भूलना नहीं है, क्योंकि जो भूल जाते हैं वो कभी याद नहीं आते। वर्क बेटा 5 है और डेज मेरे पास कितने हैं 2। इस 5 का मैंने 48 में कितने टाइम डिवाइड किया, 9 टाइम। 10 टाइम कर देता तो 50 वर्क हो जाते, लेकिन काम कितने थे 48। तो 9 का जब मैंने 5 में मल्टीप्लाई किया तो 45 आ गया, और 9 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो 18 आ गया। बात फाइनल है। जब कभी एक साइकिल सिटी का पूरा भाग देने पर हमारा कोई काम पूरा ना हो, कोई काम पूरा ना हो, तो जब काम पूरा नहीं होगा तो कोई न कोई काम ज़रूर बचेगा। बेटा आपका टारगेट कितने काम करने का, यहाँ से ध्यान देंगे, सभी बोर्ड पर ध्यान दें, कितने काम करने का है 48, काम हुए कितने 45। तो मुझे इतना बताओ अभी कितने काम और बाकी हैं। तो आपने ये कह दिया कि सर अभी हमारे 3 काम बाकी हैं। कितने बाकी हैं, 3 काम बाकी हैं। अब मुझे इतना बताओ कितने काम दिन हो चुका है 18 दिन, कितनी साइकिल डेज वर्क हो चुका है 9 साइकिल हो गई हैं। तो मुझे ये बताएं अगर 9 साइकिल हो गई हैं तो 18 के बाद कौन सा दिन आता है 19। तो 19वें दिन में वह व्यक्ति काम करने आएगा जिस व्यक्ति ने काम की शुरुआत की थी। काम की शुरुआत किस व्यक्ति ने की है बेटा, यहाँ से देखो, पहले दिन बी करता है, तीसरे दिन भी बी करता है, 5वें दिन भी बी करता है। और मैंने कहा कि जो व्यक्ति काम की शुरुआत करेगा वो ऑड डेज वाले दिनों में काम करता रहेगा, यानी कि इस जगह पर भी अब जब 19वां दिन आएगा तो 19वें दिन कौन काम करेगा, बी। और बी मेरे बच्चे कितने काम कर देगा 2, और कितने दिन में करेगा 1 दिन में। बात फाइनल है। अब मुझे बताना जरा यहाँ से काम कितने हो गए आपके 47, और हमें काम करने कितने 48, तो बचा कितना, 1 काम बचा। इसका मतलब क्या है मेरा कि अब उस 1 काम को करने के लिए कौन आएगा 20वें दिन, कौन आएगा बेटा, ए आएगा, और ए की पावर कितनी है 3। तो ये 1 काम 3 की पावर से होगा, तो इतने दिन में तो हुआ वो शेष काम। और मेरे यहाँ कितने दिन हो चुके हैं 19 दिन। तो मेरा सवाल का आंसर ये कहना चाह रहा है यहाँ से कि 19 तो सही दिन थे और 1/3 दिन वो शेष काम का था, तो पूरा काम होने में लगे दिन कितने हो गए 19 सही 1/3 दिन। बात समझ में नहीं आई, यहाँ से नहीं समझ में आई, 9×5 45 काम, 9×2 18 दिन। 19वें दिन वो काम करेगा जो काम की शुरुआत करेगा, और काम की शुरुआत किसने की है, बी ने। बी 2 काम कर चले जाए तो क्या काम पूरे हो गए, नहीं हुए, 45 और 2 47 होते हैं, और हमें करने कितने 48। अभी भी कितने काम बाकी हैं 1 काम, तो उस 1 काम को वही तो करेगा जिसका नंबर आएगा। अब बेटा जब 19वें दिन बी ने काम कर लिया तो अगेन कौन आएगा, ए, और ए की एफिशिएंसी कितनी 3। तो ये 1 काम 3 की पावर से होगा, तो दिन का 1/3 भाग हो जाएगा। तो काम कितने दिन में पूरा हुआ 19 सही 1/3 दिन। कई बार क्या होता है कि ये ऑप्शन में नहीं होता, अब जब ये ऑप्शन में नहीं होता हम आंसर क्या दें। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब क्वेश्चन तो कार्य समाप्त होने में, तो यहाँ एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, तो कार्य कौन से दिन समाप्त होगा, कितने दिन नहीं, कौन से दिन समाप्त होगा। जब कौन से दिन की बात आएगी तो बेटा एक बताओ, 19 दिन हो चुके हैं तो 20वें दिन में तो काम हुआ है ना पूरा जाके, कौन से दिन में हुआ है 20वें दिन में, तो काम 20वें दिन में पूरा होगा, यानी कि यूँ नहीं कह रहा 20 दिन में होगा, 20वें दिन में, ऑन 20 डेज, समझ रहे हैं ना। तो इसके बाद आप अगेन इस वीडियो को बहुत धीरे धीरे से देखिए, फिर मैं एक और क्वेश्चन उठाता हूँ, देखते हैं जरा आगे। देखते हैं बेटा एक और क्वेश्चन है, अभी देखो ए और बी से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे मैं 2 क्वेश्चन और कराऊंगा आप लोगों को। पहले आप क्वेश्चन नॉर्मली इसको देखो, बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन को लैंग्वेज में मैं करा रहा हूँ, इसकी लैंग्वेज दूसरी तरीके से भी आती है, उसको भी आप समझ लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ से कि ए कोमा बी तथा सी किसी कार्य को क्रम से 18 दिन 24 दिन और 36 दिन में कर सकते हैं। इतना अंग्रेजी से समझते ही होंगे, ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज 24 डेज एंड 36 डेज रेस्पेक्टिवली। क्लियर है,
यदि पहले दिन ए और बी तथा दूसरे दिन बी और सी कार्य करें। देखो इंडिकेटर है, मैं पहले डी बना रहा हूँ तो दिन की बात कर रहा हूँ, और दूसरे डी बना रहा हूँ तो दूसरे दिन की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले दिन ए और बी काम करें तथा दूसरे दिन बी और सी काम करें, मतलब पहले दिन ए और बी कर रहा है, दूसरे दिन बी और सी काम कर रहा है, तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। देखिए कभी कभी ये भी क्वेश्चन कहता है कि पहले दिन ए के साथ बी कार्य करे और दूसरे दिन जब काम आए तो सी के साथ बी की जगह ए कार्य पर आ जाए, तो कुछ उल्टी सीधी लैंग्वेज भी बना दी जाती है, वो अपने ऊपर है, टीचर्स अपने हिसाब से भी बना लेते हैं। तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे, तो सवाल इस तरीके से बेटा कि सबसे पहले आपका काम क्या है यहाँ से कि ए काम कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में, और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में, और सी वही काम कितने दिन में कर रहा है, 36। तो पहला काम आपका क्या होगा यहाँ से, पहला काम होगा कि एलसीएम लेंगे आप, तो यहाँ से क्या ले लेंगे बेटा, 72, 18 चौक 72, 24 थी 72 और 36 दूनी 72, ये इनकी क्या निकल कर आ गई, एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी के बाद आपका काम क्या है, सबसे पहले आप इनकी साइकिल सिटी तैयार करोगे, तो साइकिल सिटी बेटा क्या तैयार होगी यहाँ से, आपको पता है कि पहले दिन काम कर रहे हैं ए और बी, ए प्लस बी काम कर रहे हैं कॉमा, दूसरे दिन काम कौन कर रहे हैं, बी और कौन, सी। देखो ये पहले दिन काम कर रहे हैं तो ये पहला दिन है, और ये दूसरे दिन काम कर रहे हैं तो कौन सा दिन है बेटा, दूसरा दिन है। ए की पावर बेटा देखो 4 है और बी की पावर कितनी है, 3, तो आपको पता है 4 + 3 यानी कि पहले दिन में 7 काम होंगे, 7 वर्क हो गए। दूसरे दिन की जब हम बात कर देंगे बेटा तो यहाँ देखो आपको पता है 3 काम होंगे और सी कितने काम करता है, 2, तो अब यहाँ से काम कितने हो गए, 5, लेकिन अब इनको भी आप जोड़ेंगे तो यहाँ काम कितने हो जाएंगे, 12, क्यों होंगे 12, अब मैं कहता हूँ यहाँ से कि 12 वर्क मेरे कितने डेज में बन गए बेटा, 2 डेज में। तो आप जानते हैं कि यहाँ से आप पूरी तरीके से अगर आप इस क्वेश्चन को यहीं सॉर्ट आउट करना चाहें कि वर्क मेरा कितना है 12, और अगर मैं यहाँ से टाइम की यूनिट की बात करूँ तो टाइम कितना डेज है, 2 डेज। बात समझ रहे हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा ईजीएस्ट बना रहे हैं, सभी विद्यार्थी बोर्ड पर ही ध्यान देंगे। 18, 24, 36, 18, 24 और 36 का गॉट एलसीएम कितना आ गया, 72, और 72 ही हमारा टोटल वर्क है। 18 चौक 72, 24 थी 72 और 36 दूनी 72, वो कह रहा है कि पहले दिन ए और बी ने काम किया, किसने काम किया, ए और बी ने, तो ए और बी दोनों मिलकर पहले दिन करते हैं जबकि दूसरे दिन बी और सी मिलकर करते हैं, ऐसे ही तो बोला है उसने, ए और बी तथा दूसरे दिन बी और सी काम करते हैं, तो इसका मतलब है कि पहले दिन ए 4 काम करेगा तो बी कितने करेगा, 3, तो दोनों पहले ही दिन मिलकर कर रहे हैं तो इनकी मिली हुई एफिशिएंसी 7 आ गई, और दूसरे दिन बी कर रहा है 3 काम और सी कर रहा है यहां से 2 काम, तो दोनों की एफिशिएंसी जोड़ के कितनी आ गई, 5। लेकिन ये पहले दिन का काम है, ये दूसरे दिन का काम है, आपको बताया कि फिर साइकिल सिटी इसी तरह से तैयार होगी आगे वाली भी। तो मेरी साइकिल ये कहती है यहाँ से कि मैं 12 काम करूँगा तो कितने दिन लगेंगे बेटा, 2 दिन लगेंगे। लेकिन अब आपसे ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब 2 दिन लगेंगे तो मैंने कहा था कि जितने रेशो में काम हो जाते हैं 12 काम 2 दिन में, तो 72 काम कितने दिन में, इस 12 का भाग किस में देंगे बताओ, 72 में, तो कितनी बार जाएगा, 6 बार, तो आप यहाँ से 6 का गुणा करेंगे तो 12 छिंग कितने हो गए, 72, और 6 से ही मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो 6 दूनी क्या हो गया, 12, तो पूरा काम होने में कितने दिन लगे, 12 दिन, क्योंकि काम करना ही कितना था, 72, और पूरा काम 72 हो गया। जब 72 काम हो गया भैया तो कितने दिन लग गए काम होने में, 72 दिन। बात समझ रहे हैं ना, इस लैंग्वेज को समझना होगा कि पहले दिन ए और बी और दूसरे दिन यहाँ से जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, बी और सी। इसका मतलब है कि पहले दिन ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं और दूसरे दिन बी और सी मिलकर काम कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना, इस तरीके से काम होना है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। स्क्रीनशॉट ले लो, कोई भी बात आती है आप मुझसे दोबारा से कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहो और पूछते रहो, धीरे 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 मैं क्वेश्चन करता रहूँगा। आप देखिए इसके बाद जो एक और क्वेश्चन है कितना अच्छा सवाल है, देखें जरा। देखेंगे बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 है और एसएससी सीजीएल सन 2014 प्रीलिम्स पेपर में पूछा गया था। बहुत मस्त, शानदार, ज़बरदस्त, आपसे और हमसे दोनों से सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी तथा सी किसी काम को क्रम से 20 डेज, 30 डेज और 40 डेज में कर सकते हैं, डिजिट चेंज हो सकते हैं। यदि ए प्रत्येक दिन कार्य करे,
बहुत घातक बात कह रहा है। ए थकता नहीं है आप और मेरी तरह, लेकिन बी तथा सी क्रम से है। जब ये वर्ड क्रम से आ जाता है इंग्लिश में, हिंदी में, तो इसका भी अपना एक बड़ा महत्व है। दूसरे तथा तीसरे दिन ए की सहायता करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखिए, जो बच्चे इन वर्डिंग को नहीं समझते बहुत दिक्कत आती है। मैं पहले इंग्लिश में पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को, ए कोमा बी। अगली कुछ वीडियोस से मैं तैयारी कर रहा हूँ कि आपके लिए क्वेश्चन प्रिंटेड ही आए, पीपीटी लग जाए और उसमें इंग्लिश हिंदी दोनों हो, तो हमें पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। सवाल क्लिक करो, आगे बढ़ो, क्वेश्चन करो, होता रहेगा। ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, 30 डेज एंड 40 डेज रेस्पेक्टिवली। ए वर्क्स डेली, ए रोज काम करता है, बट बी एंड सी साइमल्टेनियसली हेल्प ए ऑन सेकेंड एंड थर्ड डे, फाइंड द डे ऑफ वर्किंग। तो क्वेश्चन में पहले जो हमसे गिवन है बेटा, उस डेटा को हम तैयार करते हैं। यहाँ से हमसे बोला गया है ए काम 20 दिन में करता है, बी वही काम 30 दिन में करता है और सी वही काम 40 दिन में करता है। एलसीएम बताओ जरा कितना आएगा बेटा, 120। 20 का भाग 6 बार जाएगा, 30 का भाग 4 बार जाएगा और 40 का भाग 3 बार जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर साइकलिटी जो बनानी है वो बहुत घातक है, अगर उसको तुम बना पाए तो मज़ा आ जाएगा। तो बेटा वो ये कह रहा है यहाँ से कि ए तो रोज़ काम करता है, पहले दिन भी काम करता है, दूसरे दिन भी काम करता है और तीसरे दिन भी काम करता है, रोज़ काम कर रहा है। ये एक साइकिल सिटी तैयार हो रही है बेटा। ये पहला दिन है, ये सेकंड डे है और ये कौन सा डे है, थर्ड डे। बात समझ में आ रही है। ए वर्क्स डेली, परंतु कह रहा है लेकिन बी दूसरे दिन सहायता करता है। जब क्रम से आ जाता है तो इसका मतलब है इन्होंने सहायता अलग अलग की। इसका मतलब है दूसरे दिन काम ए और बी करेंगे और तीसरे दिन कौन करता है, सी सहायता करता है, अगले दिन यहाँ से सी काम करेगा। बात नहीं आई समझ में, यही तो मजा था। जब कभी भी ये वर्ड क्रम से जुड़ जाता है तो इसका मतलब ये अलग अलग की बात कर रहा है, यानी कि बी सेकेंड डे ए की हेल्प कर रहा है और सी ऑन थर्ड डे हेल्प कर रहा है, इसका मजा आ जाएगा। अब देख सकते हो पहले दिन कितने काम होंगे, 6। अगले दिन आपको पता है कि 6+4 वर्क होंगे और उससे अगले दिन 6+3 वर्क होंगे, खोपड़ी काम नहीं कर रही होगी। भाई पहले दिन जब ए काम कर रहा है तो ए अपनी पावर लगाएगा, दूसरे दिन ए और बी काम कर रहे हैं क्योंकि ए की सहायता दूसरे दिन बी ने की है तो 6 के संग 4 की सहायता हो जाएगी, ये रही बी की पावर। और ऑन थर्ड डे ए की हेल्प कौन कर रहा है, सी। तो तीसरे दिन ए की सहायता जब सी करेगा तो भाई 3 काम और साथ हो जाएंगे। इस प्रकार से मैंने यहाँ से क्या पाया जरा बता दो, क्या खोया क्या पाया, 6 और 6 12 और 4 16, 16 और 6 कितने हो गए बेटा, 20 और 20 और 3 23। नहीं आ रही बात समझ में, भाई 6 3 18 4 22 3 25 होंगे शायद, 6 और 6 12 और 4 16, 16 और 6 22 और 3 25, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से कितने काम हो गए, 25 काम। और जब 25 काम हो रहे हैं तो हो कितने दिन में रहे हैं, यहाँ से 3 दिन में। आपको बताने साइकिल सिटी 3 डेज की तैयार हो रही है। अब आपका काम क्या है कि जब ये यूनिट यहाँ से तैयार हो रही है किसकी, वर्क की, और ये पूरी कहानी आपको किस में बता रही है, टाइम की, तो इस 25 का भाग कहाँ देंगे, 120 में। क्या भाग पूरा पूरा जा रहा है, नहीं जा रहा। 25 का भाग दे लो जितना जा जाए, तो 25 चौक 100, 4 से गुणा कर दो, 25 चौक 100 काम हो गए और 4 से यहाँ गुणा कर दो, 4 दिया 12 दिन हो गए। यहाँ तक टेक्निकल टीम बताए, दिखाई दे रहा है जरा। इसका काम क्या है बेटा कि अब यहाँ से जब 12 दिन काम हो गया तो कितनी साइकिल सिटी तैयार हो गई, 4। जब 5वीं साइकिल बनेगी तो 5वीं साइकिल में फिर शुरुआत काम की कौन करेगा, ए करेगा। जब ए काम की शुरुआत करेगा तो भाई मेरे यहाँ से कितने काम कर जाएगा, 6, और दिन कितने लग जाएंगे जरा बताएंगे, 1 दिन और लगेगा। काम हो गए हमारे कितने, 106 काम करने, कितने, 120। अगले दिन जब ये काम करेंगे तो कितने होंगे, 10। लो जी 10 काम और हो गए, 1 दिन और लग गया। अब काम कितने हो गए बेटा यहाँ से, 116। अब मुझे बताएं कि 12 और 13 और कितने दिन हो गए, 14। तो मेरा सवाल ये कह रहा है यहाँ से कि जब 4th दिन काम हो चुके हैं
और काम हुए कितने हैं 116, तो अब काम बचे कितने, 120 काम थे, 116 हो चुके हैं, तो आपके कितने काम बचे, 4। लेकिन अब आपको पता है काम पर कौन आएगा, ए और सी, और ए और सी की पावर कितनी है, 9। तो शेष काम इतने दिन में होगा, और जबकि पहले ही कितने दिन हो चुका है, 14 दिन, तो इतने ही दिन में काम समाप्त तो हो जाएगा। बेटा ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं टाइम टेकिंग वाले, बहुत फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ आज, मैं बिल्कुल स्लो ही पढ़ाऊँगा, बिल्कुल गिर गिर के पढ़ाऊँगा, लेट जाऊँ नहीं लेटूँगा। इसका मतलब क्या है कि जब 100 काम हो चुके थे, 6 काम करने ए आ गया, फिर 10 काम करने ए और बी आ गया, और एक एक दिन काम किया, तो काम कितने दिन हो गया यहाँ से, 14 दिन। तो भाई काम हो कितने गए, 116। अब काम बचे कितने हैं, 4 काम बचे, और उनको करेगा कौन, ए और सी, क्योंकि उन्हीं का नंबर है भाई, ए करके चला गया, अब ए और बी चले गए, अब कौन आएगा, ए और सी। जब ए और सी आएगा तो ए और सी की पावर 9 है, और 9 से कितने काम होंगे, 4। तो इस प्रकार से 14 से ही 4/9 दिन में काम पूरा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, बार बार देखो, हज़ार बार देखो, बस देखते रहो, ठीक है ना, बहुत अच्छा लगता है। एक और क्वेश्चन देखेंगे बेटा, ये एनटीपीसी में, देखिए जब एक बार कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कहावत है ना, चोर चोर मौसेरे भाई, सभी एग्जामिनर, अब कोई पीएचडी तो पेपर में भर्ती आते नहीं है, वही लोग हैं, मेरा डेटा उठा लिया, किसी और टीचर का डेटा उठा लिया, तुम्हारे नोट्स उठा लिए, क्वेश्चन नेट से ले लिए, आजकल तो यूट्यूब पर बहुत कुछ है, जब हम यूट्यूब पर आ गए तो हमें मत लगता है तो कि सभी यूट्यूब पर आ गए होंगे, क्योंकि हम तो टेक्नोलॉजी में तुम्हें पता है सबसे आगे चलते ही हैं, इसी का तो अंदाज़ा है कि आप हमें देखने वालों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि हमारी आँखें भर आती हैं डेली, हम तुम्हारे लिए कितने आंसू बहाते हैं, कभी सोचा है आपने। एनटीपीसी 2017 में यह क्वेश्चन पूछ लिया, और सवाल क्या करा है कि ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 30 दिन, 36 दिन और 45 दिन में कर सकते हैं, यदि बी प्रत्येक दिन कार्य करे लेकिन ए तथा सी क्रमशः दूसरे तथा तीसरे दिन बी की सहायता करें तो कार्य समाप्त होने में लगा समय। तो बहुत तेज़ी से मैं इस क्वेश्चन को चाहूँगा कि आप इसे क्वेश्चन को बहुत तेज़ी से करें। आपका काम क्या है बेटा, ए कितने दिन में कर रहा है बच्चे, 30 दिन में, जबकि बी इसी काम को कितने दिन में लगा देता है बेटा, 36 दिन, और सी इसी काम को करने में कितने दिन लगाते हैं, 45 दिन। तो टीम जरा बताएगी कि एलसीएम इसका क्या निकाला जा सकता है। एलसीएम जब आप यहाँ से ले लेंगे तो मेरी आँखों से देखो अगर दिखाई नहीं देता, आपको हर जगह सिर्फ चमन नज़र आएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 180। 30 से भाग 6 बार जाएगा, 36 का भाग 5 बार जाएगा, और 45 का भाग 4 बार जाएगा। यहाँ तक बात सही है, लेकिन क्वेश्चन की साइकिल सिटी बेटा ये तैयार कराने के लिए कह रही है हमसे कि काम होगा और ज़रूर होगा, और क्यों नहीं होगा, बी तो बेटा रोज़ काम करेगा। अब आप कहेंगे सर 3 बार क्यों लेके देते हो इसको, अरे मेरे छोटे मोटे चुनमुनू आओ, ये दूसरे और ये क्या कह रहा है, तीसरे, जब वो कह रहा है थर्ड डे तक काम हो रहा है तो 3 दिन किया होगा बी ने, लेकिन पहले दिन के बाद यहाँ से देखा जाए ये पहला दिन है, ये दूसरा दिन है, ये तीसरा दिन है। आई लव हर एट ए क्लास, एक नज़र में आपको समझ में आ जाना चाहिए। बी की सहायता यहाँ ए कर रहा है और यहाँ कौन कर रहा है, सी कर रहा है। बात समझ में आ गई, कैसे आ गई बेटा, वो कह रहा है कि दूसरे दिन सहायता ए ने की और तीसरे दिन किसने की, सी ने। मैं फिर बताना चाहूँगा जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं, बीच में स्क्रीनशॉट मार रहे हैं, आप समझ लीजिएगा, बी प्रत्येक दिन कार्य करता है लेकिन ए तथा सी क्रम से दूसरे, तो ये करेगा उसकी सहायता सेकेंड डे और ये करेगा कौन से डे, थर्ड डे। बात समझ रहे हैं। अब लगा दो बेटा जरा यहाँ से, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5, और बी की एफिशिएंसी 5, और बी की एफिशिएंसी 5, ए की एफिशिएंसी 6 है और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। तो आपको पता है ना, सब जुड़ेंगे, 5 और 5 10 और 6 16, और 5 कितने हो गए, 21, और 4 कितने हो गए बेटा, 25। फिर वही 25 आ रहा निकल गया, जोड़ लो जरा, मेरा जोड़ भाग तुमसे बहुत कमज़ोर है। 5 × 10 = 16, 5 × 21 = 25, बात फाइनल है। तो मैं यही तो कहूँगा कि 25 वर्क हो रहे हैं लेकिन दिन कितने लग रहे हैं, 3। बताए टीम जरा, बात सही है। अब इस 25 का भाग किस में दे रहा है, हम यहाँ से 180 में, 25 का भाग जब 180 में दे देंगे तो आपको पता है कि 7 बार भाग चला जाएगा, तो 25 × 7 = 175 होते हैं बेटा, अरे बोल दो ना, 25 × 7 = 175 और 7 ही हो गए 21। कितनी साइकिल पूरी हो गई है, 7,
काम कितने हो गए मेरे बच्चे अब 175। जब 175 हो गए तो आपको बताया कि अब 22वें दिन फिर एक नई साइकिल शुरू होगी और कौन काम करने आएगा, बी, और बी की पावर कितनी है 5। अगर मैं 5 काम और करवा लूँ तो काम 180 होंगे, लेकिन एक दिन लगेगा इसको भी, तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 22 दिन में। मुझे लगता है कि आज मैंने कलेजा ही नहीं निकाला, सब कुछ निकाल दिया, बहुत धांसु। इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो तो इतना रंग जमा देंगे कि मज़ा आ जाएगा। चीज़ों को बेटा बहुत अच्छी तरह समझना होगा। बी के 5 काम, बी के 5 काम, बी के 5 काम। ऑन द सेकंड डे ए हेल्प्स टू ए, इट मीन ही वर्क्स 6 यूनिट। ऑन द थर्ड डे सी हेल्प्स टू बी एंड ही वर्क्स 4 यूनिट। नाउ ऑन फर्स्ट डे वर्क विल बी 5, ऑन सेकंड डे वर्क विल बी 5+6, ऑन थर्ड डे वर्क विल बी 5+4। हिंदी में समझ लो, 5 5 10 16, 5 21 4 25 काम कितने दिन में, 3 दिन में। जब 3 दिन में काम 25 हैं तो इस 25 का भाग किस में देंगे भाई, हम टोटल काम में। टोटल काम में जब भाग दे देंगे तो कम से कम 7 बार जाएगा, यानी 7 साइकिल ऐसी बन जाएगी जिनमें 25-25 काम 7 बार होगा, तो काम कितना हो जाएगा 125। जब 175 वर्क हो जाएगा, अब 7 21 दिन हो जाएंगे, तो ऑन 20 यानी 21 दिन के बाद 22वां दिन आएगा, नई साइकिल शुरू होगी, और नई साइकिल में कौन काम करने आएगा बताओ, बी। बी की पावर कितनी है बेटा, 5। 5 काम और हो जाएं, 175 में 5 और ऐड कर दोगे, 180 काम पूरे हो गए, तो काम कितने दिन में हो जाएगा, 180 डे वर्क हो जाएगा, 180 वर्क हो जाएगा, और 21 और कितने हो जाएंगे, 22, ठीक है ना। तो काम कितने दिन में हो गया बेटा, 22 दिन में। इसके बाद में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेने वाला हूँ जो इस बार के किसी भी पेपर में आ सकता है, बहुत ही प्रेडिक्टेड क्वेश्चन है, मैं कई सालों से उसे देखता आ रहा हूँ, नज़र में मैंने भर लिया है, बस आपके सामने रखना है, देखते हैं इसके बाद सवाल। देखो बेटा ये क्वेश्चन टेक्निकली आपको समझना होगा, जितना भी मैंने आज डेटा आपको पढ़ाया है, अगर मान लो मैं इस क्वेश्चन को यहीं से शुरू कर देता, अगर मैं दूसरा क्वेश्चन ये करा देता, तो तुमको ये लगता कि यार उनके लिए तो है ही नहीं ना जो 5 मिनट देखते हैं, उन्हें तो पढ़ना ही नहीं, उनका सिलेक्शन होगा कब, वो वीडियो देखेंगे, घर रहेंगे, उन्हें कुछ इधर उधर के भी गाने सुनने। इस क्वेश्चन में आपको कई चीज़ें ऐसी होंगी जो पिछली बार से हमने साइकिल सिटी तैयार की है, उन सब पॉइंटों को इसमें लगाना होगा, बिल्कुल सब में जान है। इसके बाद एक और क्वेश्चन अच्छा उठाएंगे। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है यहाँ से कि ए किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, लेकिन जब ए तथा बी बारी बारी से एक एक दिन कार्य करें तो कार्य 10.5 दिन में समाप्त हो जाता है, जबकि इस कार्य की शुरुआत बी करता है, तो बताएं बी अकेला इस काम को पूरा कितने दिन में कर सकेगा। क्वेश्चन इंग्लिश में आप समझ चुके होंगे, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज, बट दे वर्क ऑन अल्टरनेट फॉर्म, एंड बी स्टार्टेड द वर्क, देन द वर्क इज कंप्लीटेड इन 10 whole 1/2 days। इफ बी स्टार्टेड द वर्क, फाइंड द डे ऑफ बी इफ ही वर्क अलोन। अंग्रेजी है भाई क्वेश्चन, पीछे लग रहा आगे बोल रहे हैं तो इधर उधर हो जाती है, और वैसे भी जो चीज़ अपनी नहीं होती वो अपने पास ज़्यादा दिन रहती नहीं है। देखिए सबसे ज़्यादा इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो ट्रिक है इस क्वेश्चन की, वो ये समझनी होगी, 1 करोड़ सालों से मैं एक ही बात समझा रहा हूँ कि बेवकूफ़ मत बनो। आपको बस ये समझना होगा इस क्वेश्चन में कि कार्य की शुरुआत कौन करता है, बी करता है। तो मैं यहाँ से यही लिखूँगा इस अपने स्टाइल में, जब बी कार्य की स्टार्टिंग करे, शुरुआत करे, तो अल्टरनेटली बेटा हमारे पास जो दिन लगते हैं वो 10 सही 1/2 दिन लग रहे हैं। तो मुझे ये बताओ इन 10 सही 1/2 ने दो में ए ने कितने दिन काम किया और बी ने कितने दिन काम किया। मैं एक क्वेश्चन में तुम्हें करा चुका हूँ कि अगर 10.5 दिन में काम हो रहा है तो काम 11वें दिन ख़त्म हुआ है। कौन से दिन ख़त्म हुआ है, 11वें दिन। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, आपको पता है इस केस में इस तरीके से कि काम की शुरुआत बी ने की होगी और फिर काम पर कौन आया होगा, ए। यहाँ तक बात फाइनल है। तो आप यहाँ से ये पाते हैं कि इन पहले 10 दिनों में जब 2-2 दिन की बात हो रही है तो 5 साइकिल बनी होंगी। नहीं आ रही बात समझ में भाई, मैं कह रहा हूँ कि एक दिन ए करता है, दूसरे दिन बी करता है, 2 दिन हो गए,
जब दो दिन में आधे ए के दिन हैं आधे बी के दिन हैं, तो इन पहले 10 दिनों में, अरे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भैया, 10 + 1/2, अब तो कोई आफत नहीं आ रही, तब भी बात वही है। तो इन पहले 10 दिनों में आधे दिन ए के होंगे और आधे दिन बी के होंगे, तो 5 दिन तो ए के मतलब बी के पास हैं और 5 दिन ही ए के पास हैं। यहाँ तक खोपड़ी काम कर रही है। अब काम ने शुरुआत किसने की बेटा? बी ने। यहाँ ही से खोपड़ी सेट होगी। साइकिल इस तरीके से होती है कि बी ने की, फिर ए ने की, फिर आपके पास बी ने की, ए ने की, फिर बी ने की, ए ने की। ये पहला दिन, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां। तो आप बताना 1, 3, 5, 7, 9, 11 कौन सा दिन? 11। तो 11वें दिन में कितना काम हुआ? सिर्फ आधे दिन। तो वही व्यक्ति काम करेगा 11वें दिन जिसने शुरुआत की होगी। इसका मतलब है कि इस आदमी ने अभी आधे दिन और काम किया है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आपको? ये बात जब तक आपको नहीं समझ में आएगी, जब तक ये डिसाइड नहीं कर पाओगे आप कि ए ने काम कितने दिन किया, बी ने कितने दिन किया, तब तक ये सवाल होगा ही नहीं। मैं फिर इस चीज़ को एक बार मिटाता हूँ और आपके सामने लिखता हूँ, ठीक है ना। मैं कई बार शेर बोलता हूँ कि जितना आसान है पत्थर पर पत्थर से पत्थर लिखना, उतना ही मुश्किल है बहते पानी पर पानी से पानी लिखना। ये बहता हुआ पानी है और इस पानी पर पानी से पानी लिखना है। क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा कि 10 + 1/2 दिन में काम पूरा हुआ। जब उन्होंने काम बारी बारी से किया, बोर नहीं हो रहे हो ना, मजा आ रहा, देखते रहो। मैं ये कहना चाहता हूं यहां से कि काम की शुरुआत कौन कर रहा है? बी। और फिर काम पर कौन आ रहा है? ए। तो इन 10 दिनों में कितनी साइकिल सेट हुई होंगी? 5। इसका मतलब है कि 5 दिन बी ने काम किया होगा तो 5 दिन ही ए ने काम किया होगा। ये डी है, दिन कहीं 50 मान लो बाद में कहो सर ये क्या था, डी है ये। अब मुझे ये बताओ, मैं ये कह चुका हूं कि अभी जो आधा दिन है ये कौन सा दिन है बेटा? 11वां दिन। कौन सा दिन है? 11वां दिन। इस 11वें दिन में कौन काम पर था? तो इसकी जानकारी हमें इससे मिलती है कि पहले बी था, फिर ए था, फिर बी था, फिर ए था, फिर बी था, फिर ए था। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, काम कैसे हुआ? पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठवें दिन। तो जरा देखना, जब जब बी आएगा वो पहले दिन आएगा, तीसरे दिन आएगा, पांचवें दिन आएगा, अगला 7वां दिन होगा, फिर 9वां होगा, फिर कौन सा होगा? 11वां दिन होगा। कौन सा दिन होगा? 11वां। तो 11वें दिन में पूरा काम है क्या? नहीं बेटा, केवल और केवल आधे दिन काम है। इसका मतलब क्या है कि इसने आधे दिन काम किया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं? अब सवाल हो गया। अब जब सवाल हो गया तो मैंने आपको मेरे चुलमुनुआओं क्या पढ़ाया था कि टोटल वर्क बराबर होता है E × T के। टोटल काम बराबर Efficiency × Time के बताया था। मेरी वीडियो नंबर 2 देख लेना, इस बहाने से देख भी लोगे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। E × T के होता है। तो अब सवाल देखो इतना मजेदार है, तुम कहोगे सर दिल कई बार खुश हो गया है। सवाल ये कह रहा है कि अगर 12 × A से काम कराऊं तो काम पूरा हो जाता है। 12 नहीं 16, किससे काम कराऊं? 16 × A से काम कराऊं तो काम पूरा हो जाता है। यही काम अगर 5 × A करे प्लस 5.5 B करे अभी भी तो काम ही समाप्त हो रहा है। यानी A के 5 दिन का काम और B के 5.5 दिन का काम जोड़ लिया जाए तो वो A के 16 दिन का काम है। कितने दिन का काम है? 16 दिन का। बेटा 5 A इधर आ जाएंगे तो 11 A बचेंगे। अरे माइनस होगा, ये भी बताना पड़ेगा, पहली क्लास की क्लास लगा दूं। और ये बराबर हो जाएगा 5.5 B के। बात क्लियर है? तो मुझे बताना 5.5 से ये कितने बार कटेगा? 2 बार। तो A अनुपात जब B निकाल दोगे तो 1:2 आएगा। क्या निकल के आएगा? 1:2। बाबूजी यही तो आना है। 16 × 1 है, एक है, देखो मेरी आंखों से ये A नहीं है, अब एक है, क्योंकि A की पावर 1 आई है। तो अगर पावर 1 है, दिन 16 है, तो काम कितना हो गया? 16। और ये काम करवाना किससे है? B से। तो B की पावर कितनी है? 2। तो B के रेफरेंस में 16 काम 2 से होंगे तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा अगर अकेला B करेगा? 8 दिन में।
इस क्वेश्चन का इतना अल्टीमेट मेथड बना दिया है कि चीज़ों को बस आपको डिफाइन करना है। मेरे बच्चे, इतनी बात आपको जाननी है कि ए के हिस्से में कितने दिन आए, बी के हिस्से में कितने दिन आए, ये दूसरी इक्वेशन है और पहली इक्वेशन आपको पेपर में हमेशा दी जाएगी। अगर मज़ा ना आए हो तो टेक्निकल टीम बताइए ज़रा क्वेश्चन कैसा है। अगर इस क्वेश्चन में जान न डाल दी गई हो तो आप देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं हर बार क्वेश्चन को कराता हूँ लेकिन बहुत मज़ा आएगा बेटा। मैं क्वेश्चन दुर्वा बिल्कुल स्टार्टिंग से, जब बी कार्य की स्टार्टिंग करें, बी कार्य की स्टार्टिंग करें, सांस ले लो, तो काम बारी बारी से 10+1/2 दिन में, अर्थात कौन से दिन काम हुआ, 11वें दिन। कौन से दिन काम हुआ, 11वें दिन। शुरुआत बी ने करी, ए आया, बी आया, ए आया, बी आया, ए आया, बी आया, ए आया, वो आए, हम आए, आते रहे। बी कौन कौन से दिन आएगा, पहले, तीसरे, पांचवें, सातवें, नौवें और 11वें दिन। इन 10 दिनों में आधे ए के दिन होंगे, आधे बी के दिन होंगे। जब बी ने 5 दिन काम कर लिया, ए ने भी 5 दिन कर लिया, 10 दिन पूरे हो गए। 11वें दिन कौन आया, ए, और 11वें दिन में आधे दिन काम हुआ है तो आधा दिन 1/2 दिन हो गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर 16 दिन में ए से करवाऊं तब भी वही काम होता है, अगर वही काम 5A+5.5B से कराऊं तब भी वही काम होता है। अर्थात ए के 16 दिन का काम बराबर है ए के 5 दिन प्लस बी के 5.5 दिन के। मैंने 5 ए को इधर ले लिया तो 11 ये बच गया, ये 5.5 भी है, 5.5 से 11 दो बार कटेगा और आप जानते होगा 2a बराबर b होगा तो a अनुपात b बराबर 1:2, यानी a की क्षमता 1 है तो b की क्षमता 2 है। इसका मतलब क्या सीखा कि a 16 दिन लेता, 1 पावर से 16 दिन में 16 काम होंगे और यही काम b से करवाऊं तो क्षमता b की लठसी 2 है और 2 से भाग दे दोगे तो काम 17-8 दिन में आ जाएगा। बात फाइनल है। क्वेश्चन देखो, एक और सवाल लेता हूँ, अभी तो धुआं देना शुरू किया है, आग भी बरसेगी, देखो सवालों में। देखेंगे बेटा एक और क्वेश्चन, बिल्कुल डिक्टो उसी स्टाइल का, बस आपको चीज़ों को समझना है। अब सवाल में बेटा यहाँ से क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सवाल कह रहा है कि एक किसी काम को 24 दिन में कर सकता है लेकिन जब ए तथा बी बारी बारी से एक एक दिन कार्य करें तो कार्य 20 सही 2/3 दिन में समाप्त हो जाता है, जबकि इस कार्य की शुरुआत ए करता है तो बताएं अकेला ए इस कार्य, सॉरी अकेला, चलो ए से ही करवा लेंगे, तो अकेला इस ए कार्य को कितने दिन में पूरा कर ले। ए तो कर ही रहा है तो बी पूछेगा यहाँ से, ठीक है ना, ये समझ लीजिएगा बी पूछेगा, तो बताएं अकेला बी इस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। तो अब आपको बेटा सबसे पहले आपको पता है हमें स्टार में अपने दिमाग में रखना है क्योंकि पेपर में तो काम करने ही होंगे, जब कार्य की स्टार्टिंग कौन करे, ए करे, कौन करे, ए। तो बेटा आपको पता है फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठवा दिन, डॉट डॉट डॉट, सो होने से ही होता रहेगा। तो जोश मैं होश ना खोलें, आप एक समझ लें कि पहले दिन ए करेगा, तीसरे दिन करेगा, फिर पांचवें दिन करेगा और आपको बताया कि जितने भी ऑड डेज होंगे उनमें ए काम करेगा। अब मुझे बताएं, मैं इसको बेटा 20+2/3 लिख सकता हूँ, 2/3 का मतलब है 20 से अगला दिन, यानी कि काम ख़त्म हुआ होगा 21वां, यहाँ से कौन से दिन, 21वें दिन। तो 21वें दिन काम किसने किया होगा, ए ने, ये बात समझ में आ रही है। पहले इस 20 को तोड़ दीजिए, ए के पास और किसके पास, बी के पास, 10 दिन इसके हो गए, 10 दिन इसके हो गए, यहाँ तक सही है, लेकिन ए 21वें दिन और काम कर रहा है और कितने दिन काम कर रहा है, 2/3, तो यहाँ से 2/3 और जोड़ देंगे, यहाँ तक फाइनल है। अब सवाल में देखिए उसी तरीके से करेंगे तो आप यहाँ कह सकते हैं कि अगर ए अकेला काम करे तो काम कितने दिन में होता है बेटा, यहाँ से 24 दिन में, कितने दिन में काम होता है बेटा यहाँ से, अगर ए अकेला करे तो काम कितने दिन में हो जाता है हमारा, 24 दिन में। और काम की बात अगर वहाँ से कर रहा है कि 24 दिन में हो जाता है, प्लस अगर मैं बी की यहाँ से आगे देख लूँ कि अगर मैंने 24 दिन लिख दिया तो बी के बारे में क्या रेफरेंस ले रहे हैं। अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि ए ने जो काम किया वो कितने दिन किया बेटा, जरा इनको देखना, 10, 30 और 2, 32, यहाँ से 32/3 हो गया प्लस, और अगर मैं बी की बारे में बात कर रहा हूँ तो बी के दिन हो गए यहाँ से कितने, 10। तो आप जब इन्हें इधर ले आओगे इस केस में तो आपको पता है कि ये क्या होगा बेटा, 24A-32
तीस ए बटे तीन, और ये बराबर कितने बी हैं बेटा, दस बी। चौबीस से बहत्तर में से बत्तीस गए तो कितने बचे, चौबीस से बहत्तर, बहत्तर में से बत्तीस गए तो चालीस ए, और तीन का एक काम करो उधर गुणा कर दो तो हो जाएगा तीस बी के, जीरो से जीरो कट गई। तो मुझे इतना बता दीजिए यहाँ से कि ए अनुपात जब बी करेंगे तो बेटा ए का पावर तीन और बी की पावर क्या आ जाएगी, चार, यानी कि तीन अनुपात चार आ जाएगा। अब आप जब टोटल वर्क निकालेंगे तो ई का गुणा टी में करना होता है, ए के तीन पावर है और इसके दिन कितने हैं, चौबीस, दिन कितने हैं चौबीस, तो चौबीस से बहत्तर काम हो गए, जिन्हें करवाना होगा बी से और चार का भाग दे देंगे तो कितने दिन में हो जाएगा, अठारह। पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं क्वेश्चन कराता हूँ यहाँ से, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लो पूरा, ले लिया। तो अब एक बार क्वेश्चन को और अच्छी तरीके से समझ लो, स्क्रीनशॉट में समझना क्वेश्चन क्या था। अब मैं डायरेक्ट ही यहाँ से क्वेश्चन कराना चाहता हूँ कि जब आप बिल्कुल टेक्निकली क्वेश्चंस को करेंगे तो आप यहाँ क्या करेंगे, जोश बिल्कुल कम नहीं हुआ बेटा, जोश पूरा है, ठीक है ना, जोश पर कभी शक मत किया करो, यकीन ना हो तो कभी मिल लेना, ठीक है ना। आपका काम क्या है यहाँ से कि ए काम कर रहा है चौबीस दिन में, तो मैं कह रहा हूँ चौबीस दिन ए का काम बराबर है। अब हमें ये देखना होगा यहाँ से कि बी सही दो बटे तीन में कितने दिन ए के हैं और कितने दिन बी के हैं। तो पहले जो बीस सही हैं इसमें आधे दिन ए के होंगे और आधे दिन बी के होंगे। दो बटे तीसरा जो है वो कौन सा दिन है, इक्कीसवां दिन है। काम की जो शुरुआत करेगा वही इक्कीसवें दिन आएगा, क्योंकि वो पहले दिन तीसरे पाँचवें सातवें नौवें ग्यारह तेरह पंद्रह सत्रह उन्नीस और इक्कीसवें दिन काम करने आएगा। तो इक्कीसवें दिन काम करने कौन आएगा, ज़रा मुझे बताएं यहाँ से, इक्कीसवें दिन काम करने ए आएगा। तो मुझे एक बात तो यहाँ तक समझ में आ जाती है कि ए जो काम करेगा वो 10 प्लस दो बटे तीन दिन काम करेगा, जो ए काम करेगा वो 10 प्लस दो बटे तीन काम करेगा, यानी कि 10 सही दो बटे तीन, और 10 सही दो बटे तीन को जब सॉल्व करेंगे तो 10 या 30 और तो 32 बटे तीन, यानी कि 32 बटे तीन ए प्लस और 10 बी। बस इतना सा कंसेप्ट है इस सवाल का, आपको इतनी सी लाइन लिखनी है इस क्वेश्चन के लिए। जब इतनी सी लाइन लिख देंगे तो देखो 24 से 72 हो जाएंगे, यहाँ अगर आप गुणा ले लेंगे 24 से 72 हो जाएंगे और इस कंडीशन में ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा बेटा हमारे पास 10 या 30, उसी केस में तीन खत्म होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 72 ए बराबर 32 ए प्लस 10 या 30 बी। अरे लिख सकता हूँ, इस तीन का गुणा यहाँ भी हो जाता है और इस तीन का गुणा यहाँ भी हो जाता है, तब ये तीन खत्म होगा। तो अब ये बेहतर है, ये 32 है, तो यहाँ 40 ए बराबर क्या हो गया बेटा, यहाँ से 30 भी, जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे। तो अब मुझे बताओ यहाँ से ए की पावर कितनी आई, पावर कितनी आ गई, तीन। तो टोटल काम ये कहता है, टोटल वर्क बराबर के ई इंटू टी लेना है हमें, जब ई इंटू टी लेना है तो ई ए की लूंगा क्योंकि मुझे ए के ही दिन दिए हैं, तो 3 इंटू चौबीस। लेकिन यही काम B के रेफरेंस में करवाना है तो B की पावर बेटा देखो यहाँ से कितनी है, 4। तो जब 4 का भाग दे देंगे 4 से 6 बार और 6 थी कितने दिन हो जाएंगे, 18। तो आपको मैंने इससे पहले क्वेश्चन में बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है कि दिन कैसे निकले। मैं बार बार कह रहा हूँ कि चीज़ों को दिमाग में लगाओ, मुझको पता है काम की शुरुआत A ने की है, तो अगर दिन ऑड आ रहे हैं तो काम अंतिम दिन भी A ने किया होगा। इन 20 दिनों में आधे दिन ए के होंगे आधे दिन बी के होंगे, तो 10 बी हो गए 10 ए। दो बटे तीन कौन से दिन का हिस्सा है, 21वें दिन का, 21वें दिन ए आया होगा। तो बस मुझे इतना अपने रफ वर्क में काम कर लेना है कि ए ने 10 प्लस दो बटे तीन दिन काम किया, तो 10 थी 30 और 2 कितना हो गया, 32 बटे तीन दिन किसके हिस्से में है, ए के हिस्से में है, और 10 दिन किसके हिस्से में है, बी के। जब यहाँ कोई फ्रैक्शन है तो इधर भी गुणा करो और इधर भी गुणा करो और इसको समाप्त कर दो, कहो तुम जाओ लॉकडाउन में जलेबी खाओ। तीन का गुणा 24 थी 72, तीन का गुणा 10 थी 30, 24 32 इधर आएंगे 40 ए बचेगा बराबर 30 भी, जीरो से जीरो काट दो, ए की पावर तीन और बी की पावर चार। जब ए तीन काम रोज करता है तो 24 दिन में 72 काम कर लेगा, और वही 72 काम जब बी से कराएंगे पावर होगी चार, दो दिन लगेंगे 18। बात के लिए आ रहा है। अब अगला सवाल मैं ऐसा लेता हूँ बेटा कि जहाँ आपको ए के भी इंडिविजुअल दिन गिवन नहीं होंगे और ना बी के दिन इंडिविजुअल गिवन होंगे, वहाँ एक कंडीशन के बजाय दो कंडीशन होंगी कि काम बारी बारी से होगा। अगर ए काम की शुरुआत करे तो इतने दिन लगते हैं और बी काम की शुरुआत करे तो इतने दिन लगते हैं, वो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और पूछा जाता रहा है, ठीक है ना। मिलते हैं इसके बाद अगले सवाल में।
आ जाओ भाई, दौड़े चले आओ। दिल दिमाग सबको एक जगह रख लो, काम दिल से किया करो, कभी दिमाग से किया करो। दिल वाले लोग अक्सर धोखा खाते हैं, दिमाग वाले आगे चले जाते हैं। क्वेश्चन को बेटा इस तरीके से कहा जा रहा है कि ए तथा बी बारी बारी से एक एक दिन कार्य करके कार्य समाप्त करते हैं, अल्टरनेटली वर्क कर रहे हैं। यदि ए कार्य की शुरुआत करें तो कार्य 18 से ही 2/5 दिन में समाप्त हो जाता है, लेकिन जब कार्य की शुरुआत बी करें तो कार्य 19 दिन में समाप्त होता है। तो बताएं ए तथा बी अकेले अकेले कार्य कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। देखिए, कहने के लिए आपको बस एक ही चीज़ समझनी है यहाँ से कि जब ए ने स्टार्ट किया होगा, मैं ए के रेफरेंस में लिख ले रहा हूँ, तो आपके दिन कितने बेटा? 18 + 2/5 दिन। बात क्लियर है? तो आपको ये समझना होगा इस वाले क्वेश्चन में बेटा कि इन 18 में आपको पता है कि आधे दिन ए ने काम किया होगा और आधे दिन बी ने काम किया होगा, 9 दिन और 9 दिन। ये कौन सा दिन है? ये 19वां दिन है। कौन सा दिन है बेटा? 19वां दिन। और ये आप जानते हैं, जब ये 19वां दिन है तो जिस व्यक्ति ने काम की शुरुआत की होगी वही 19वें दिन आएगा, क्योंकि यहाँ काम की शुरुआत जो की है फिलहाल वो किसने की है? ए ने। भाई स्टार्टिंग कौन कर रहा है आप देख लीजिए, ए कर रहा है। तो ये जो 2/5 दिन है ये किसके हिस्से में आएंगे? ए के हिस्से में, यानी ये 2/5 और काम करेगा। बात फाइनल है? अब दूसरी इक्वेशन यहाँ सेट कर लो। अब मैं कह रहा हूँ जब काम की शुरुआत कौन करे? बी। तो दिन कितने बेटा? 19। 19 को मैं 18 + 1 लिख सकता हूँ। 18 + 1 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि उन 19 में बी का हिस्सा भी है और ए का हिस्सा भी है। 9 दिन बी के हैं, 9 ही दिन अभी ए के हैं। किन में? इन 18 दिनों में। लेकिन तुम्हें पता है कि 19वें दिन काम पर कौन व्यक्ति आएगा? जिसने काम की शुरुआत की होगी, और शुरुआत किसने की है? बी ने। तो बी ने एक दिन काम और कर लिया। तो अब अल्टीमेटली बी ने कितने दिन काम किया? 10 दिन। और ए ने कितने दिन काम किया? सिर्फ 9 दिन। तो अब यहाँ से ये पहले तय हो जाता है। अब इसमें दो इक्वेशन आपको कंपेरिजन में करनी है। इसको देख लो, 9 × 5 = 45 और 2 = 47/5, ठीक है ना। 2/5 है, 3/5 है बेटा, इसे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। ये 3/5 है, ठीक है ना। यही शायद गलती हमारी हो जाती है अक्सर। ये 3/5 है तो ये 48/5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ के बाद बेटा अब हमारे पास, पहले इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लें, मैं क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर लेता हूँ। जी हाँ, ले लिया, तो मैं इसको थोड़ा सा काटूँगा। तो अब आपको जो क्वेश्चन सेट करना है वो किस तरीके से करना है कि बेटा ए का काम प्लस बी का काम वही है जो दोबारा ए प्लस बी का काम है। तो जब आप इसे सॉर्ट कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि 48A/5 और +9B भाई पहले में, और दूसरे केस में आप यहां से देख रहे हैं कि 9A + 10B आ रहा है। जवाब दो जरा यहां से, यहां तक ठीक है कि नहीं है? भाई आप यहां से देख रहे हैं कि 9A + 10B आ रहा है। इस 5 का गुणा यहां भी कर दो और इन तीनों इक्वेशन में करते चले जाओ। तो 48A + 9 × 45B बराबर 9 × 45A और प्लस हो जाएगा 10 × 50B। ये 5 खत्म हो जाएगा सभी में। यहाँ बेटा देखिएगा ज़रा कितने A हैं, 45, और ये कितने? 48। तो तुमको बताया कि यहाँ 3A बचेगा, ये 45 है, ये 50 है, तो यहाँ कितना बचेगा? B, 5B। तो अब आपने यहाँ से क्वेश्चन पा लिया कि जब A अनुपात B की बात करेंगे तो 5 अनुपात कितना हो जाएगा? 3। तो अब आप ये देख लीजिए कि ये भी वही काम है जो पूरा हो रहा है। तो ए ने यहाँ कितने दिन काम किया है? 9 दिन। तो आप देख रहे हैं कि 9 और A की पावर है 5 + बी ने काम किया 10 दिन और इसकी पावर है 3। तो 9 × 45 = 10 = 30। तो अब आपका टोटल काम कितना हो गया? 75। 75 को अब तुम बेटा अगर ए से करवाओगे तो 5 का भाग दे दोगे। बात समझ रहे हैं? किस से भाग दे दोगे? 5 से। तो तुमको पता है कि यहाँ से कितने दिन निकल के आ जाएगा? 15 दिन, यानी कि जब ए से करवाओगे। और अगर बी से करवाओगे तो 3 से भाग दे दोगे बी के रेफरेंस में, तो यहाँ से कितने दिन आ जाएगा? 25 दिन। यही मेरे क्वेश्चन के आंसर थे जो मुझसे पूछे गए थे, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो, चीज़ों को सेट कर लो। देखो मैं यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ, मैं दिखाई नहीं दूंगा लेकिन क्वेश्चन दिखाई देगा। मैं स्टार बना के वंस अगेन कर देता हूँ कि जब काम की शुरुआत ए करेगा तो 18 सही 3/5 में आपको पता है कि ए के हिस्सेदारी और बी की हिस्सेदारी, इन 18 में बी के पास 9 है और ए के पास भी 9 है, लेकिन ये जो है ये बेटा मेरा 19वां दिन है।
तो प्लस ये 3/5 दिन और आ जाएंगे। इस हिसाब से 9 + 3/5 को मैं लिख सकता हूँ 48/5। तो ये इक्वेशन जो मैंने सेट की यहाँ से, इसको इधर जोड़ लीजिएगा, ये हो जाएगा 48/5 और ये सिर्फ कितना रहेगा 9। अगर काम की शुरुआत बी करेगा तो बी के जो दिन स्टार्ट हो रहे हैं वो 18 + 1 हो रहा है, इस 18 में 9 दिन रहेंगे और जिसने शुरुआत की होगी वो इस केस से आएगा। तो ये यहाँ आ जाएगा, ये बी के लिए है, ये ए के लिए है। तो इस केस में बी ने काम 10 दिन किया और ए ने काम कितने दिन किया, 9 दिन। तो मैं यही कह रहा हूँ कि 48/5 दिन प्लस 9 दिन बी से करवाएं तो काम पूरा होगा, या 9A + 10B से करवाएं तो काम पूरा होगा। मैंने कहा इस 5 को कैंसिल करने के, यहाँ भी गुणा, यहाँ भी गुणा और यहाँ भी गुणा कर दो। तो आप देखेंगे 5 से 9 = 45, 9 * 45 = 10 = 50, 45 से 48 से 3 A बचेंगे, 45 भी 50 भी 5 भी बचेंगे, A/B (5:3) आएगा। तो ये भी तो वही काम है जो काम पूरा होना है, कहीं भी लगा लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब यहाँ लगाओगे 5 कट जाएगा, आपको पता है, ठीक है ना। फिर यहाँ से वैल्यू ले लोगे 27 आ जाएगी, तब भी 75 ही आएगा। तो अब यही 75 काम अगर पावर में भाग दे रहा हूँ यहाँ 3 से अर्थात बी से, तो काम 25 दिन में होगा, और इसी में भाग में 5 से दे रहा हूँ तो काम कितने दिन में होगा, 15 दिन में होगा। बात क्लियर है। इसके बाद जो मेरी अगली वीडियो होगी या अगला लेक्चर होगा वो होगा वर्क एंड वेजेस, कार्य और मजदूरी पर आधारित प्रश्न। उसके लिए मैं उसी जिस वीडियो को स्टार्ट करूंगा कार्य एवं मजदूरी का, वही टाइप का मैं एक होमवर्क क्वेश्चन छोड़कर जा रहा हूं जो बहुत बेसिक और कंसेप्चुअल चीज़ें होंगी, उसी में मैं कंसेप्ट बताऊंगा और आपको शायद मेरे इस आज के होमवर्क का टाइप उसमें मिल जाएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, देखिएगा, खुश हो जाइएगा, ठीक है ना। आज का होमवर्क लिख लेते हैं, बाकी बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, पहुँचाओ और वीडियो पूरी देखो। एवरेज टाइम में भी वीडियो का बहुत कम आ रहा है, ये बिल्कुल भी मत सोचो कि आपका एग्जाम नहीं होगा। एग्जाम मेरे भाई जरूर होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि देश ही ना रहे, चीजें सब होंगी, लेकिन यही है कि आपका आलस ये दर्शा रहा है कि आप धीरे धीरे पीछे जा रहे हो। तो पीछे नहीं जाना है, पढ़ते रहना है, ठीक है ना। चलिए आज का होमवर्क लिख लो, फिर हम आज से विदा लेंगे। ये बेटा आज का होमवर्क है और मैं, आपने देखा होगा ज्यादातर होमवर्क आज की क्लास में कल की क्लास की नींव रख के जाता हूँ, ज़्यादातर यही मेरी कोशिश रहती है। यानी कि कल की क्लास में हम आपसे डिस्कस करेंगे कार्य एवं मजदूरी पर आधारित प्रश्न, बिल्कुल जीरो लेवल से उठाएंगे, उसमें कई टाइप के क्वेश्चन मर्ज हो जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है अगर कल की क्लास आपको देखनी है या समझनी है तो उसके लिए आपको पिछली क्लासों को समझना होगा, बिल्कुल सिलसिलेवार क्लासेस को आपको समझना होगा। करीब मैंने 8-9 लेक्चर आपको इस पॉइंट पर दे दिए हैं। आज की टाइप वाइज में 8वां टाइप है आज हमारा ये, ठीक है ना। और वीडियो देखें अगर हमारी 8-2 10वीं वीडियो है, ये 10वां लेक्चर है। तो 10वें लेक्चर में मान लीजिए करीब करीब मैं 1-1 घंटे का लेक्चर ले रहा हूँ, तो 10 दिन की क्लास हो गई और करीब करीब मैं 100 से 120 क्वेश्चन आपको इन लेक्चर्स में दे चुका हूँ। तो अगर आप सीक्वेंस के पैटर्न से देखेंगे तो शायद इससे ज़्यादा आपको कहीं कोई तरीका नहीं मिलेगा। सवाल पढ़ देता हूँ और उसको देख लेंगे। क्वेश्चन है कि A, B तथा C किसी काम को क्रम से 30 दिन 40 दिन व 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया तथा कुछ दिन बाद, तथा यहाँ से क्वेश्चन है हमारा, कुछ दिन कार्य करने के बाद C ने कार्य छोड़ दिया। किसने काम छोड़ दिया भैया? C ने कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य A तथा B ने मिलकर पूरा किया, जबकि तीनों को कार्य करने के लिए कुल 9,600 रुपये मजदूरी मिलती है। यदि बी का हिस्सा सी से 3200 रुपये अधिक हो तब ए का शेयर क्या है, ठीक है ना। वो इंग्लिश में लिख गया एक वर्ड, क्योंकि इंग्लिश में ही रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन को आप इंग्लिश में भी एक बार समझ सकते हैं, बार बार सुनिएगा। A, B and C कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 days and 40 days। ऑल दे स्टार्टेड द वर्क टूगेदर एंड आफ्टर वर्किंग सम डेज C left the work. Remaining work is completed by A and B. If they got for the work 9,600 rupees. In hence, the share of B is 3,200 more than the share of C. Find the share of A.
बहुत इनिशियल, बहुत अच्छा और बहुत ही, देखिए जिन बच्चों के कंसेप्ट क्लियर हैं, जिन्होंने कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को पढ़ा है, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो ये सवाल उनके लिए कुछ भी नहीं। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं कोई चैलेंजिंग नहीं तैयार करता, बस मैं आपके कंसेप्टों को देखना चाहता हूँ कि आप कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कंसेप्ट पर काम किया है। जो बच्चे कंसेप्चुअल चीज़ों को पढ़ चुके हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बैरी हलुआ है, लेकिन जिन बच्चों ने बेटा कंसेप्ट नहीं पढ़ा है, जो ट्रिक्स के भरोसे रहते हैं कि ट्रिक्स होनी चाहिए, उनसे ये क्वेश्चन शायद ना हो। और आप, मैं देख भी रहा हूँ कि मेरी हर एक वीडियो में 2-3-4 क्वेश्चन चार बच्चे एग्जाम आंसर देते हैं, जबकि देखने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है और कुछ भी नहीं है, बाकी सब चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं बेटा हम अगले क्वेश्चन के साथ, आज के लिए बस इतना ही। और मैं फिर अगेन कहूँगा, वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा देखो, पूरी वीडियो देखो, आपको चीज़ें मिलती रहेंगी, ठीक है ना। अगले एपिसोड यानी अगली वीडियो में हम दोबारा से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।